कंडीशन लग रही है? ठीक लगा परफेक्ट जी। आज हमारे साथ हैं राम जन्म जो कि अकबरपुर से हमारे पास आए हैं। इनको दिक्कत है L4-5 L5-S1 की, ये पिछले 7 सालों से इनको है। सीवियर बैक पेन है और सीवियर इनको सर्वाइकल पेन है। अभी हमारे पास 3 दिन इनको हुए हैं। पहले हम जानते हैं कैसे इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और क्या क्या इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और आफ्टर 3 डेज ट्रीटमेंट के बाद ये कैसे हैं। हम अकबरपुर से हैं सर, रोज अकबरपुर जिला अम्बेडकर नगर से आए। दिक्कत क्या हो गई थी आपको, कैसे हुई बताओ? दिक्कत सर, हम आज हमें 7 साल पहले एक ही बात है, हमें बैक पेन हो बहुत तेज़ हो रहा था, यहाँ पैर पूरा हमारा जाम होने लगा था। तब दिखाए थे जाके लखनऊ में सारा हॉस्पिटल अभिषेक श्रीवास्तव का। अच्छा। तो वहाँ पे दिखाया गया तो उन्होंने सब लोगों ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम इसके बाद वहाँ से गए घर, दवा लिए, आराम था थोड़ा बहुत। इसके बाद हम ये क्या कहते हैं थेरेपी लिया थे, फिजियोथेरेपी कराए थे, तो हमको आराम मिला 3-4 साल पर लिया में आराम मिल गया था। लेकिन फिर इस समय आदमी 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब जैसे आपने उस टाइम दवाइयाँ वगैरह कराई पिछले 7 सालों में, फिजियोथेरेपी आपने कराई, जी जी, तो उसमें आराम मिल गया था? हाँ आराम मिला था, लेकिन जैसे होना चाहिए आराम नहीं उतना था, वक्ती आराम कुछ टाइम के लिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए आराम मिल गया था। अब सिचुएशन ये है कि 5 महीने से कंटिन्यू दर्द है, कंटिन्यू दर्द है दोनों पैर में, पहले एक में था अब दोनों में होने लगा है और ये हल्का होने तैयार नहीं है। जी, तो क्या कहते थे आपसे डॉक्टर्स वगैरह? हम 3-4 जगह दिखाए सब ऑपरेशन के लिए, बोले डॉक्टर डी के बस्सल लखनऊ में हमारे यहाँ, और उन्होंने भी बोला था ऑपरेशन के लिए, और एक और डॉक्टर हम उनको भी दिखा गया संदीप अग्रवाल करके, उनके यहाँ भी बोला गया था ऑपरेशन आपका होगा। ओके। हाँ, हम परिवार वाले ऑपरेशन कराना नहीं चाहते थे कहीं स्पाइन का, इधर देखिए बोला ना राइट। हाँ, परिवार के लिए सारे बोलते थे। हाँ, तो परिवार वाले बोले कि अभी इतनी कमी है, जो ऑपरेशन करा लिया पहले पता चले बेड रेस्ट हो जाओगे तो क्या फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑपरेशन के लिए वो कोई जिम्मेदारी तो लेते होंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, किसी ऑपरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। बहरहाल 7 साल में आपने हर एक अपनी पूरी कोशिश की है, जी जी, जितनी आप कर सकते थे जी। फाइनली जहाँ भी आप गए तो आपको कुछ टाइम दवाई खिलाई, दवा खिलाया गया, उसके बाद बोला कि आप सर्जरी करा लो, जी है ना जी, या फिर दर्द में ऐसे जीते रहो। दर्द में अब क्या बताया सर, दर्द हमें इतना रहता था, हम चलना फिरना एकदम उठना बैठना वहाँ पा, लेकिन सब दवा खा खा कर चलते थे। इसके बाद हमने आपका ऐड देखा मोबाइल पे, हमने 3-4 महीने पहले देखा, हम सोचे देखे रहते हैं वहाँ पे जाके किसी दिन, पैसे वैसे की व्यवस्था किया तब फिर यहाँ पे आप आए। आपने हमारे पेशेंट्स की वीडियो भी देखे होंगे? जी हाँ, भी आपने देखे जी। कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं हमारा जो बिना ठीक हो गया हो यहाँ से? नहीं, सब ठीक होके गए हैं, पता चला परफेक्ट जी। अच्छा बताओ, आपको यहाँ 3 दिन हो गए जी, क्या कंडीशन लग रही है? आराम है सर, हमें लगभग 50-60% आराम है। 60% आराम है जी, बिना दवाइयों की और बिना किसी सर्जरी की जी। हमने किसी तरह की कोई दवाई दी आपको? नहीं, कोई दवा नहीं, कोई इंजेक्शन वगैरह? कोई इंजेक्शन नहीं, नहीं दिया ना? नहीं। ठीक है, अभी आपको 3 दिन में 60% ठीक लग रहा है जी जी, विदाउट सर्जरी जी, और मिनिमम हम 10-15 डेज करेंगे जी, कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे विदाउट सर्जरी और विदाउट मेडिसिन, वो भी लाइफ टाइम के लिए। सो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है और आप भी लॉन्ग टाइम से दवाई करें और डॉक्टर भी आपको यही कह रहे हैं कि आप या तो सर्जरी करा लो या फिर दवाइयाँ खाते रहो या फिर बेड पर पड़े रहो जी, तो आपको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आइए। हम बिना किसी दवाई की और बिना किसी सर्जरी की मिनिमम टाइम में 100% आपको ठीक करेंगे। चलिए आप लेटिए, उल्टे होकर लेटिए, सांस लो, छोड़ो। फिर सांस लो, छोड़ो। फिर सांस लो, छोड़ो। फिर सांस लो, छोड़ो। ओके, बस बस। चलिए अब आप करवट लीजिए इस साइड, इधर फेस मेरी तरफ। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे पैर, ढीला ला यहाँ दीजिए, इसको पकड़ेंगे यहाँ पर।
ये ढीला छोड़ो, टाइट से पकड़ना है, ठीक है। सांस लो, छोड़ो, सीधे। बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। सांस लो, छोड़ो, ओके, सीधे। बिल्कुल ढीला छोड़ो आप शरीर को, सांस लो, छोड़ो, ओके, बस। और पीछे अब चल के दिखाओ थोड़ा सा। बताओ क्या कंडीशन लग रही है? ठीक लग रहा। परफेक्ट जी। जैसे आप हमारे पास केस लेकर आए, वैसे हजारों लोग हैं जी जो घर पे पड़े हुए हैं दवाइयों के सहारे जी। उनका मानना ये है कि सर्जरी के अलावा हमारा कुछ नहीं हो सकता, या फिर हमें दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी वरना बेकार हो जाएंगे। उनसे क्या कहना चाहोगे आप? उनसे सर हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार आइए यहाँ पे, देखिए, समझिए, इसके बाद तब डिसीजन लीजिए जो करना हो। पूरी उम्मीद है कि वो दवाई से छुटकारा पा सकते जी, दवा से छुटकारा पा सकते।